तो फ्रेंड्स, माय नेम इज सचिन माले, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि फ्रेंड्स हमारे जो गूगल पे ऐप में वो फ्रेंड्स दो न्यू अपडेट हमें देखने के लिए मिले, वो अपडेट फ्रेंड्स आप जानेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत यूजफुल अपडेट है और इसलिए ये फ्रेंड्स आपको काम आने वाले अपडेट है। पहले फ्रेंड्स हम अपने गूगल पे ऐप में फ्रेंड्स UPI से पेमेंट करते थे, दिन में गूगल पे ने एक न्यू अपडेट भी लॉन्च कर दिया जिसमें फ्रेंड्स क्या हो कि पहले हम UPI से पेमेंट करते, अभी फ्रेंड्स हम अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फ्रेंड्स पेमेंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला कि फ्रेंड्स आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको कौन कौन से पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे ऐप में, वो भी अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स आपको किस किस तरीके फ्रेंड्स आपको अपना कार्ड ऐड करना है और आपको कौन कौन से पेमेंट आप कर सकते हैं गूगल पे ऐप में अपने कार्ड से, इस बारे में फ्रेंड्स आज बात करने वाले, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे। और फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल YT Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साइड में बेल का आइकॉन दिख रहा होगा उसे भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। चलते हैं फ्रेंड्स अपने आज की वीडियो की तरफ। अभी फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि दो दिन में फ्रेंड्स हमें गूगल पे ऐप में दो न्यू अपडेट देखने के लिए मिले। फ्रेंड्स पहले अपडेट की मैं पहले बात कर देता था, फ्रेंड्स पहले हम गूगल पे ऐप में किसी भी का पेमेंट भी पे करते थे उसके गूगल पे ऐप में स्क्रीनशॉट ले सकते थे। अभी पे ऐप में न्यू अपडेट ये आया कि फ्रेंड्स आप अपने गूगल पे ऐप में स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो फ्रेंड्स गूगल पे ऐप में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे कुछ भी करेंगे तो फ्रेंड्स आप गूगल पे ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ये गूगल पे का फ्रेंड्स फर्स्ट अपडेट ये। और दूसरे अपडेट में फ्रेंड्स क्या है कि फ्रेंड्स आप गूगल पे ऐप में फ्रेंड्स अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते थे, तो अभी फ्रेंड्स गूगल पे ऐप में न्यू अपडेट आ चुका है, वो अपडेट अपने आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से फ्रेंड्स पेमेंट भी कर सकते हैं। वो भी कैसे, आपको पहले आपको बहुत सारे लोगों को ये फीचर नहीं मिला है अभी तक ऐड कार्ड का ऑप्शन, तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहते हैं वो आपको ऐड कार्ड का फीचर नहीं मिल रहा तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको वो फीचर मिल जाए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर ऐप में जाना और आपको जो प्ले स्टोर ऐप अपडेट नहीं उसे अपडेट कर देना। फ्रेंड्स मैंने अपने गूगल पे ऐप को ओपन किया, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने देखा तो मेरा पहले ऑप्शन नहीं था, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ऐप को अपडेट कर दिया तो मेरा जो ऑप्शन मुझे मिल गया। तो अभी फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसमें फ्रेंड्स दो तरह के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऐड हो सकते हैं। फ्रेंड्स कौन से, पहली बात है कि फ्रेंड्स कौन से डेबिट कार्ड ऐड हो सकते हैं और कौन से क्रेडिट कार्ड ऐड हो सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स क्या है, कौन से डेबिट कार्ड, कौन से फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सपोर्ट करेंगे गूगल पे ऐप में। तो फ्रेंड्स एक्सिस बैंक के फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड गूगल पे ऐप में सपोर्ट कर सकते हैं, और फ्रेंड्स दूसरी बैंक के SBI बैंक के, वो भी फ्रेंड्स गूगल के SBI बैंक के फ्रेंड्स क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो गूगल पे ऐप में सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी बात कर लेते हैं, वो आपने कार्ड भी ऐड कर दिया तो फ्रेंड्स उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऐड भी आप किसी का फ्रेंड्स डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जिसके नाम पर गूगल पे ऐप में रजिस्टर्ड है उसी का आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं गूगल पे ऐप में, ये बात फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स आप गूगल पे में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ऐड भी कर लिया तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जिससे फ्रेंड्स आप किसको किन किन को फ्रेंड्स आप पेमेंट कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, यानी वो भी फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं, आप कोई भी शॉप पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, मर्चेंट को आप कोई भी मर्चेंट कस्टमर को आप भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं गूगल पे ऐप से, पहले फ्रेंड्स आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते थे UPI की मदद से, तो अभी फ्रेंड्स आप अपने बैंक आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज, अपना लाइट बिल पे, वो सभी फ्रेंड्स आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं। उसमें फ्रेंड्स अभी आपको गूगल पे अपने दो बैंक और SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सपोर्ट कर रहा है गूगल पे ऐप में, और वो बैंक का फ्रेंड्स अभी तक ऑप्शन नहीं मिला है गूगल पे ऐप में, वो जल्दी फ्रेंड्स आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आप किसी भी शॉप पर या फ्रेंड्स मोबाइल रिचार्ज और कोई अदर रिचार्ज करना चाहते जिसको डेबिट कार्ड का सपोर्ट होगा तो फ्रेंड्स आपका वो रिचार्ज भी हो सकता है। ये फ्रेंड्स आपको बात ध्यान रखनी है, आपने मैं जिन जिन बातों को बताई उन बात को आप ध्यान रखें तो फ्रेंड्स आपका जो ऐड डेबिट कार्ड है उससे पेमेंट भी हो सकता है। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आपको इस चैनल पर आपको गूगल पे की बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद।